भाविन शाह। भाविन भाई, आज बीजेपी आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहले किस पक्ष में थे, क्या देखकर आप आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, मैं मजूरा विधानसभा के खुददेदार व्यक्ति था। भाजपा की राजनीति, देश की राजनीति, भाजपा का विकास, देश का विकास, जो मोदी साहब जो बोल रहे हैं, अभी भी आपने पाटिल साहब से मुंह में सामला कि भाई मोदी साहब जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर होती है। दूसरा पक्ष में, अन्य पक्ष में, जो मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, जो इलेक्शन आता है तब हम लोग को काम पे लगा जाता है, बाद में हमारा कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। इसीलिए भाजपा की विचारधारा से हम लोग जो मजूरा विधानसभा के कार्यकर्ता जो भाजपा में जुड़ाए हैं, वो मोदी साहब का चेहरा देखकर, गुजरात की सफलता देखकर, देश की सफलता देखकर आज हम लोग भाजपा की विचारधारा प्रेरित कर रहे हैं। मोदी के किस विचारधारा पर आप मानते हैं कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही है? आप देख ही रहे हो, सबका साथ सबका विकास। भाजपा में एक मैंने देखा है बरसों से, मैं तो अभी बहुत पुराना सा 37 ईयर्स का हूँ, फिर मैं विचारधारा से प्रेरित हूँ। जो विधानसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की टिका टिप्पणी कर रही थी, वो आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन कर रहा है, वो हिसाब से हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मजूरा विधानसभा के कार्यकर्ता, हम सभी नाराज हैं। आप किस विकास को आप जानते हैं कि किस तरह का विकास आपको लगता है कि होना चाहिए? हम लोग को देश का विकास करना है, साथ मिलकर, नहीं कोई धर्म का विकास करना है, कोई ज्ञाति का विकास करना है, टिका टिप्पणी करने की नहीं है। हमको देश का विकास करना है, गुजरात का विकास करना है, क्योंकि ये गुजरात की भूमि है, गांधी की भूमि है, सरदार की भूमि है। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, जमीन पर उतर कर काम करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है। इलेक्शन आने के वक्त लोगों के सामने जाता है, लोगों के घर पे जाता है, हमारा क्या है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं चलता। ये भाजपा है, 365 दिन पूरा साल लोगों के सामने खड़ी रहती है। मैंने बोला ना, जब इलेक्शन आता है तभी कार्यकर्ता तो आ जाते हैं कि भाई ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये करो, वो करो। यहाँ पे भाजपा में नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे विकास की राजनीति है, शिक्षण की राजनीति है, देश की राजनीति है। यहाँ पे सभी जगह पे विकास हो रहा है, आप देख रहे हो, गुजरात में भी विकास हो रहा है, या चाहे भाजपा की सरकार हो, या देश में भी आप देख लो। अभी मैं बात करूँ कि बरसों पुराने कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने दिखाया पाटिल साहब ने कि भाई भारतीय अर्थतंत्र कितना नंबर पे था। अभी आप मोदी सरकार में देख लो भारतीय अर्थतंत्र कितना, वही दिखता है, वही विकास हो रहा है। गुजरात में विकास हो रहा है, फिर भाजपा है तो गुजरात का विकास है, भाजपा है तो ही देश का विकास है। हम जिस पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में, वहाँ पे सिर्फ विकास की बातें कभी नहीं होती थी, अपोजिट साइड की बातें होती थी, जैसे कि आम भारतीय जनता पार्टी की, और हमने वही सुना और हमने वही बोला। लेकिन जब रियलाइज होता है इंसान को, तभी वो डिसाइड करता है कि नहीं, उसको वाकई में कहाँ जाना होता है। तो आज हमें अंदर से यही चीज़ हुई कि भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइंट होना है, तो हम इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट होने के लिए, और अभी हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह के विकास की बातें नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वैसे ही हम लोग भी आगे जाके विकास की बातें करेंगे। किस चीज़ को प्रभावित करता है मोदी सरकार जो है, बीजेपी पार्टी के मोदी जो है पूरे वर्ल्ड हाँ हाँ जैसे अभी पाटिल साहब ने बात की कि जैसे जब गरीब इंसान बीमार होता है तो उसको लगता है कि वो बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकता है, लेकिन यही चीज़ मोदी जी ने करके दिखाई है कि कोई भी गरीब बंदा पैसों के बगैर मर नहीं जाएगा, मतलब पैसे नहीं है तो उसका इलाज तो होगा ही होगा। यही कई सारी बातें हैं जो हमें प्रभावित करती है, जो हम अगर गिनने जाए तो मानो कि सुबह ही हो जाएगी। तो इतनी सारी अच्छी बातें हैं जो हमें अभी रियलाइज होती है, कि जब तक हम उस पार्टी में थे तब तक हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हमें समझ में आया तो हमने पार्टी चेंज कर ली। आप महिला हैं, बीजेपी में ज्वाइन होते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या विकास दृष्टि से आप देखेंगे? जैसे महिलाओं को बोला जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं, वैसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं रहा है। औरतों को कई ज़्यादा आगे होद्दा दिया गया है, औरतों कई ज़्यादा आगे दिखती है। तो वैसे मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ कि औरतें कभी पीछे नहीं रहनी चाहिए, हर कदम में आगे बढ़नी चाहिए। जैसे मर्द आगे बढ़ता है वैसे औरतें भी बढ़नी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, जैसे पढ़ाई लिखाई हो, डॉक्टरी लाइन हो, कुछ भी हो, औरतें कभी पीछे नहीं होनी चाहिए।